बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। बिबल ग्रीश, ये रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ सॉरी वेटिंग लाउंज है। और ये बड़ा जनाब जी क्या है, ये कुछ बड़े सा कुछ बना हुआ है, मालूम क्या बना हुआ। स्टफ्ड राइस टाइप है भाई, फ्रीज मैक्स क्या। हम पहुंच गए हैं दोहा, ये है जी दोहा एयरपोर्ट। यहाँ पे अभी काफ़ी बड़ा जो है इधर किधर है जी, चले मतलब एयरपोर्ट तो खान दे। ये डोलचे गबाना सामने बड़ा बिबल ग्रीश, ये रेस्टोरेंट टाइप है, यहाँ सॉरी वेटिंग लाउंज है। और ये बड़ा जनाब जी क्या है, फ्रेंच गैलरी, शॉपिंग सेंटर है छोटा सा। मेरे साथ मलिक साहब हैं जी, मलिक साहब एंजॉय कर रहे हैं। ये ड्यूटी फ्री शॉप है, ये क्या है, अच्छा फ्रेंच गैलरी नहीं है। ओके, और अभी हम घूम रहे हैं अभी एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री शॉप में, कुछ देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। और ये क्या आ गया जी यहाँ पे, तो बड़ा कोई इन्होंने बनाया हुआ है भालू टाइप। ओह हो, ये तो ज़बरदस्त एयरपोर्ट है भाई। हाँ, तो अंदर बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है और ये कुछ बना हुआ है, मलिक साहब पता नहीं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी रिसेप्शन, हमें रिसेप्शन से लेना देना कुछ नहीं है। ये कोई बड़े सा कुछ बना हुआ है, मालूम क्या बना हुआ। स्टफ्ड राइस टाइप, अच्छा A10 है उस साइड पर, तो हम जाना उधर। ये है ड्यूटी कतर ड्यूटी फ्री शॉप, उधर भी काफ़ी शॉप्स हैं और फूड कोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कतर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, कुछ परचेजिंग वगैरह करनी हो तो नॉर्मली हम यहाँ परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ख़ास परचेज तो करना नहीं हो। परफ्यूम वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह बंदा देख लेता, लेकिन वो लेने के लिए तो नहीं है, बस ऐसे ही देखने के लिए हैं, देखने की हद तक। तो सही, क्या बाय टू गेट वन फ्री है क्या, क्या भाई है फ्रीज मैक्स क्या है। सिगरेट्स हम लोग पीते नहीं हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट्स पड़ी नहीं हैं। एक इधर गया, चॉकलेट्स हैं, ओके बाय थ्री गेट वन फ्री, ओके बाय थ्री गेट वन फ्री। अभी सब चॉकलेट्स ही हैं जी, टॉबलर रोम। ये है जी ऑल ओवर पिच, इसकी अंदर से लुक है अपना कतर एयरपोर्ट की, ऐसा लगता है जैसे छोटा सा कोई मॉल है, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और हम मॉल में खड़े हैं जी। मालिक साहब फोटो शोटो ले रहे हैं, रुकेंगे। स्टफ टॉयज टाइप होता है ना, क्या है डमी बियर वगैरह टाइप वो रखा हुआ है। ये कुछ अराउंड इसका, उधर कटर ड्यूटी फ्री है, मार्केट टाइप छोटी सी, और इस साइड भी पीछे भी मार्केट है। A10 जी, A तो ये है और A10 हमारा इस साइड पर गेट हो गए, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और यहाँ से जाके देखेंगे फ्लाइट हमारी कब की है। A1 to A13, सो A10 हमारा इस साइड पे होगा, अभी मैं देख लेंगे। ये मैंने लिया था जी, क्या नाम है, आप खाना थोड़ा सा तो साथ ही ले लेंगे, घूम रहा हूँ, अंडे हैं और सैलड है। अच्छा जी, फ्लाइट इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ है, 943 कुछ में तो नहीं है, बोलता हूँ लाहौर दिल्ली नंदी है। हाँ, मुझे पता है, यहाँ देख रहा हूँ ना, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, हमारी फ्लाइट नज़र आ रही है नहीं है, 942 नहीं है भाई, आ जाओ फिर इस साइड पे ही है। ले चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट केक्स
आई थिंक ये चॉकलेट केक है। हाँ कुछ समझ आया, नजर आ रही है कुछ? 942 हाँ हो चिन मिन, वो कहीं और की है भाई, कोरिया की है। मैं भी चॉकलेट चेक करें, चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट बॉल्स। हाय हाउ आर यू, ये क्या भरा टॉफी टाइप्स कुछ रखा हुआ। हाँ चलें इस साइड पे, चलें इस साइड पे, ज्वेलरी शॉप है। 7 o'clock हो गए, तो फिर तेजी से कदम बढ़ाए ना, हमें जाना है जल्दी उधर। ये अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, 810 गेट हमारा इसी साइड पे है कहीं। हाँ ये शॉप, कपड़े खरीदने पड़े हैं, कैप्स वगैरह। मलिक साहब कुछ लगता है इंटरेस्टेड है? हाँ मलिक साहब, हाउ मच इट इज, हाउ मच? 190 दिस मंथ, 195 इट शुड बी, देन 195। ये स्पोर्ट्स शॉप है, जिसने शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकता है। स्पोर्ट्स शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, कैप्स हैं। ओके बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इन दिस। ओके यल्ला गो, वी गो फर्दर टू आवर गेट। मलिक साहब ने ऑलरेडी मूव कर दिया है, ये भी एक स्पोर्ट्स शॉप है, लोग बैठे हैं स्पोर्ट्स शॉप। ओके बॉस का इधर तो भाई गए तो गिनते देखे बेहोश जाएंगे। डैनम ये रहे, ये हम लोग खड़े होने लगे हैं अपना। ओह चलें तो फास्ट हो जाएगी ना स्पीड में, पब्लिक भाग रही है। ये पूरा वेटिंग लाउंज है, यहाँ पे सब फ्लाइट्स लोग सब बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है, हाँ बाहर से इतना नहीं लग रहा था। बाहर से तो हम बस बाहर से ना घूमा, घूम के निकल गए। कितना है, 7 बजे है ना हमारी बोर्डिंग, अभी क्या टाइम हो रहा है? चले फिर जल्दी करें। A3 तो आ गया है साइड पे, A10 है ना। मलिक साहब और मैं हम भाग भाग के जा रहे हैं एयरपोर्ट की अपने गेट की तरफ, गेट हमारा मिस हो गया, हमसे आगे पीछे हो गया। मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे करते हुए। जी मेरे पीछे है मलिक साहब, मलिक साहब थक गए बेचारे चल चल के पैदल, हैं पैदल चल। ये वैसे ट्राम होनी चाहिए थी इधर, क्या कहते हैं ट्राम होनी चाहिए थी, जैसे दुबई में है ना। हाँ अंदर ही अंदर मिक्स गेट पे, वैसे होनी तो चाहिए। हम ट्रैवल तो किया था हमने मेट्रो में, उधर थी ना हमने ट्रैवल किया ना, बाहर है हाँ, वैसे नहीं है। हाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स, चॉकलेट्स, सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ले ये अनदर वेटिंग एरिया, और आप देखिए कितना गाइजेंटिक एयरपोर्ट है भाई। ये अनदर कुछ बोर्डिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, अभी मालूम नहीं, हमारी तो 7 बजे है, हम इसलिए आराम आराम से चल चल के जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है हम लोग। A9 A7 A9 वो सामने कौन सा है? उसके बाद नहीं, वो A11 है, उस साइड पे A11 है, A9 की बैक साइड पे होना चाहिए, जहाँ हमारा 10 है ना वहाँ पे बैठ जाएंगे जाके। यार आपके जहाज वाले ने मुझे डरा दिया। अरे इतने से डर गए आप? डिसेंट वगैरह पड़े हैं, नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। ये अल्लाह A9 A10 वो रहा भाई,
फाइनली ये हम अपने गेट पे पहुंच चुके हैं और अभी सोच रहे हैं कि यहाँ वेट किया जाए या बोर्डिंग करके बोर्डिंग वाली साइड पे चला जाए। फाइनली हम आके जी बैठ गए हैं अपने, अल्लाह भला करे। चार्जिंग नहीं, अल्लाह अकबर। हम जी आके बैठ गए, मैं और मलिक साहब वेटिंग एरिया में अपने। ये हमारा जो ये 10 गेट है, अभी इंशाल्लाह यहाँ से फिलहाल बोर्डिंग बल्ब वगैरह तो हमारे चेक हो गए हैं फिलहाल। अभी जस्ट मे बी बोर्डिंग टाइम तो कितना है, बोर्डिंग 7 o'clock है ना, 7 बजे है ये। 10 मिनट बाद इंशाल्लाह बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन हम लोग पब्लिक से देख के लग रहा है कि जहाज़ छोटा ना हो, जहाज़ बड़ा होना चाहिए। वैसे जहाज़ मुझे जहाँ तक मैंने देखा है जहाज़ बड़ा ही है, तो मुझे लगता है कि जहाज़ खाली ही होगा, लेकिन मे भी हो सकता है शायद और पब्लिक आ जाए। तो फिलहाल अभी देखते हैं, बैठे हुए हम लोग इधर आके पीछे आके लाउंज में बैठ गए, पब्लिक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता और इंतज़ार कर रहे हैं। इतना साउंड डालना पड़ेगा। ये जी कुछ वेटिंग लाउंज, पूरी पब्लिक बैठी हुई है। पब्लिक तो बहुत कम ही नज़र आ रही है मुझे। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जहाज़ खाली ही जाएगा, अगर खाली गया तो फिर हमें सोने का चांस मिल जाएगा, सो के जाएंगे हम। हैं, आपने सो के जाना है फिर मेरे साथ। तो ये सर हमारा वेटिंग लाउंज है। चार्जिंग कोड हमें कुछ नहीं मिल रही अभी तक कहीं पे कि हम मोबाइल चार्ज कर लें। अब जब उसके अंदर ही होगा तो उसके अंदर दुबई से सलाद लेके आया हूँ खाने के लिए, अब तक मैंने खाई। ओह ठंडी हो गई है भाई, ठंड लग रही है। चलें किधर है ये निकाले मेरा, जरा मोल्डिंग बार ऊपर रखें, ऊपर 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 बस तो दिखाऊंगा ना मैं। ये मेरा बोर्डिंग पास अभी कहाँ बताएगा मालूम नहीं। यस सर, ओके थैंक यू। इधर जाना था उसे ना। ओहो ये बिजनेस क्लास बाबा यार, ये देखो यहाँ खाली कोई नहीं। हम गरीब लोग हैं भाई, हमें मिला ही इकोनॉमी। अभी सेंटर में देखना, ये इकोनॉमी क्लास हमारे हिस्से में। अभी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम भी। नंबर क्या है? 41B। किधर आ गया 41? आगे आखिर में है हमारी। हाँ इतना अच्छे नहीं है कि हम शुरू में बैठेंगे। ये 22 चल रहा है भाई, इतने अच्छे नहीं है कि हमें शुरू में बैठाएंगे। चलो USB है ना चार्जिंग के लिए, USB तो है। चलो फिर चार्ज कर लेंगे। हमसे बदला लिया उसने, हमें जानबूझ के हमें उसने पीछे दिया। गलत बात है यार। बना लो सब। हम लोग बैठे हुए जहाज के अंदर और मलिक साहब मेरे साथ बैठे हुए बाजू वाली सीट में चिपक के। भाई जहाज वाले ने दिए अभी मेहनत क्या है, खुद थोड़ी ली उनके सैयद के साथ बैठना ही है। गुमना हो जाए पहले, पता नहीं डर ना जाए बच्चे, डर ना जाए गुम ना हो जाए, कहीं उंगली पकड़ के रखना। ये हम अंधेरे में बैठे हुए मैं और मलिक साहब। लाइट ऑन कर ले ऊपर से, लाइट ट्रांसफर से। अच्छा ये नहीं मलिक साहब और मैं, रोशनी में मेरे गांव में बिजली आई है। हम लोग बैठे हुए हैं जी प्लेन के अंदर और लोड शेडिंग। हाँ हम बस थोड़ी देर में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह सिंगापुर की तरफ। मलिक साहब हम एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी कंपनी एंजॉय करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात। रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख अज़ियत फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं लेकिन
माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का और हम सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।